महिंद्रा ऑटो इंडस्ट्री के कार फार्मिंग और कॉमर्शियल व्हीकल के सेगमेंट पर राज करने वाली यह कंपनी कैसे टू व्हीलर मार्केट में बुरी तरह से पिट गई और क्यों मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी होने के बावजूद भी महिंद्रा के बाइक्स लोगों को पसंद नहीं आए, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी बातों की स्टडी करेंगे। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि कैसे अब महिंद्रा जावा, येजदी और बीएसए जैसे ब्रांड्स के साथ मिलकर दोबारा से बाउंस बैक कर रही है। असल में दोस्तों, महिंद्रा ग्रुप ने साल 2008 में काइनेटिक मोटर्स को खरीदने के बाद से टू व्हीलर इंडस्ट्री में एंटर किया था और एंट्री के कुछ साल बाद कंपनी ने कम्यूटर मोटर बाइक्स के सेगमेंट में सेंचुरो और पेंटेरो बाइक्स को लॉन्च किया। महिंद्रा सेंचुरो में एंटी थेफ्ट और रिमोट आइडेंटिफिकेशन जैसे मॉडर्न फीचर्स दिए गए थे और इसके अलावा ये बाइक अपने सेगमेंट में काफी सस्ती भी थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी ये बाइक रिफाइनमेंट की कमी और बहुत तरह की टेक्निकल दिक्कतों के चलते मार्केट में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई और फिर आखिरकार महिंद्रा ने इसे बनाना बंद कर दिया। वहीं पेंटेरो की बात करें तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जहां 110 सीसी की इस बाइक को भी काफी लो प्राइस के साथ में मार्केट में उतारा गया था, लेकिन कई तरह की टेक्निकल इश्यूज और खराब क्रेडिबिलिटी की वजह से ये भी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और काफी दिनों तक शोरूम में पड़े रहने के बाद से इसे भी मार्केट से हटा दिया गया। अब इसके बाद महिंद्रा ने कम बैक के इरादे से मोजो नाम की एक बाइक को लॉन्च किया, जिसे की एक एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल के फॉर्म में बनाया गया था। ये उस टाइम डुअल चैनल एग्जॉस्ट सिस्टम वाली पहली मेड इन इंडिया बाइक थी, लेकिन इस बाइक का लुक थोड़ा अजीब था जो कि लोगों को समझ नहीं आया। और साथ ही उस टाइम इसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर डोमिनर और हिमालयन जैसे बाइक्स थे जिन्हें देश में ऑलरेडी काफी पसंद किया जाता था और इनके साथ किसी नई बाइक को कॉम्पिटिट करना हद से ज्यादा मुश्किल था। इस सब के अलावा कई जगहों पर सर्विस सेंटर्स की कमी होने की वजह से राइडर्स इसे लंबी जर्नी के लिए कंफर्टेबल नहीं मानते थे और इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स के चलते इस बाइक को भी बुरी तरह से फेलियर का सामना करना पड़ा। हालांकि महिंद्रा ने इसके बाद भी हार नहीं मानी और कई सारे बाइक्स लॉन्च की, लेकिन हर बार कंपनी को इस बिजनेस में लॉस ही देखने को मिला। असल में महिंद्रा के इस फेलियर के पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई सारे अहम रीजंस थे, जिनमें सबसे पहली वजह इन बाइक्स के टेक्निकल फॉल्ट थे, जिसे कि महिंद्रा कंपनी समय के साथ भी पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर पाई। साथ ही खराब मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट ने भी महिंद्रा टू व्हीलर की सेल्स को बढ़ाने में भी बिल्कुल मदद नहीं की। और अगर हम महिंद्रा के टू व्हीलर मार्केट में फेल होने के सबसे बड़ी वजह को देखें तो वो थी गलत सेगमेंट का चुनाव। असल में जिस सेगमेंट के अंदर महिंद्रा अपनी बाइक्स लॉन्च कर रही थी उसको हीरो, बजाज और होंडा जैसी कंपनियों ने पहले से ही डोमिनेट किया हुआ था, जिसकी वजह से महिंद्रा की बाइक्स को मार्केट में जगह नहीं मिल पाई और यही वजह थी कि 2019 में कंपनी की सिर्फ 4000 यूनिट से सेल हो पाई थी, जो कि 2018 से 73% कम थी। और दोस्तों, इस तरह से धीरे धीरे महिंद्रा की बाइक सड़कों पर कम नजर आने लगी और एक वक्त ऐसा आया कि ये मार्केट से ऑलमोस्ट पूरी तरह से गायब हो गई। महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने ये खुद एक्सेप्ट किया था कि कम्यूटर टू व्हीलर स्पेस में एंटर करना कंपनी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि यहाँ पहले से ही हीरो, होंडा, बजाज और टीवीएस जैसी कंपनियों ने पूरे मार्केट पर कब्जा किया हुआ था और ऐसा कोई लूप होल बचा ही नहीं था जिसे भेद कर महिंद्रा आगे निकल पाती। लेकिन दोस्तों, टू व्हीलर मार्केट में ये महिंद्रा कंपनी का अंत नहीं था, बल्कि ये कंपनी और भी ज्यादा इफेक्टिव और पावरफुल प्लान के साथ मार्केट में वापस आया। लेकिन इस बार उनकी वापसी कम्यूटर सेगमेंट में नहीं बल्कि प्रीमियम सेगमेंट में थी और यहीं से उन्होंने जावा, येजदी और बीएसए के साथ में हाथ मिलाकर सक्सेस की सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी। असल में जावा, येजदी और बीएसए क्लासिक लीजेंड्स प्राइवेट लिमिटेड के अंदर आती है, जिसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। जावा, येजदी और बीएसए तीनों ही अपने टाइम के बहुत पॉपुलर ब्रांड्स थे, जिन्हें की इंडिया में भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता था। इसीलिए क्लासिक लीजेंड्स प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर अनुपम थरेजा और आनंद महिंद्रा ने इन बाइक्स को पुराने लुक्स में ही वापस मार्केट में उतारने का प्लान किया, जिसके बाद से महिंद्रा ग्रुप ने क्लासिक लीजेंड्स प्राइवेट लिमिटेड के 60% शेयर खरीद लिए और ये दोनों कंपनी साथ में मिलकर काम करने लगी। महिंद्रा ने आइकॉनिक ब्रिटिश बाइक कंपनी बीएसए मोटरसाइकिल्स की यूरोप की मार्केट में एक बार फिर से वापसी करवाई और बीएसए गोल्ड स्टार बाइक को लॉन्च किया, जिसे कि 1938 से 1963 तक बेचा गया था। बीएसए गोल्ड स्टार एक रेट्रो मोटरसाइकिल है जो कि रॉयल एनफील्ड 650 ट्विंस, कॉन्टिनेंटल जीटी 650 और इंटरसेप्टर 650 को टक्कर देती है। इसके बाद से महिंद्रा ने दशकों पहले भारतीय सड़कों से लगभग गायब हो चुकी लेजेंडरी मोटरसाइकिल जावा को दोबारा से लॉन्च किया, जिसे कि विंटेज बाइक लवर्स ने काफी सराहा।
और इस बाइक ने रॉयल एनफील्ड को भी जबरदस्त टक्कर दी है। वहीं कुछ हद तक ये ब्रिटिश मोटरसाइकिल कंपनी यूएम की मार्केट को भी कैप्चर कर चुकी है, क्योंकि देखा जाए तो यूएम मोटरसाइकिल्स की कीमत तो काफी ज्यादा होती है, लेकिन फीचर्स के मामले में यहाँ पर कुछ खास देखने को नहीं मिलता है, और इसी वजह से लोग अब तेजी से जावा की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। असल में 1961 में जावा ने अपनी पहली बाइक जावा 250 टाइप 353 उतारी थी, जो कि इंडिया में काफी पॉपुलर हुई थी। इसके बाद इस कंपनी ने इंडियन मार्केट में जावा 50 और जावा 50 टाइप 555 जैसे मॉडल्स भी लॉन्च किए, जो कि भारत के छोटे शहरों व गांव कस्बों में बहुत ज्यादा पसंद किए गए। और फिर जावा ने येजदी जेट 60 नाम की एक बाइक लॉन्च की, जिसने की पॉपुलरिटी और सेल्स के मामले में पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 1981 में रिलीज हुई फारूक शेख की फिल्म चश्मे बद्दूर से येजदी बाइक को एक नया नाम काली घोड़ी भी मिला, और फिर पूरे भारत में ये इसी नाम से ही पहचाने जाने लगी। उस दौर में रॉयल एनफील्ड और राजदूत जैसी बाइक्स भी येजदी के आगे बेदम साबित हो रही थी, और उस वक्त बाइक्स की दुनिया में एक कहावत काफी मशहूर हुई कि राजदूत फॉर वीक गाय, बुलेट फॉर माचो मैन एंड येजदी फॉर एवरी मैन। येजदी की आखिरी बाइक 1996 में लॉन्च हुई थी, और उस टाइम तक मार्केट में बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके थे। दरअसल अब इंडियन मार्केट में अच्छा माइलेज देने वाली बाइक्स की कोई कमी नहीं थी, वहीं येजदी की बाइक बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन फैला रही थी, जिसके चलते कई देशों ने अपने यहाँ इस कंपनी की बाइक्स को बैन कर दिया था। और इन्हीं दो रीजंस के चलते ही इस कंपनी को भारत से अपना कामकाज समेटना पड़ गया। लेकिन 26 साल के बाद से महिंद्रा और क्लासिक लेजेंड्स ने येजदी के 3 नए मॉडल येजदी रोडस्टर, येजदी स्क्रैम्बलर और येजदी एडवेंचर को लॉन्च किया है, जिनमें की नए इंजन का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही ये पहले से कहीं ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी है। अब दोस्तों, विंटेज बाइक्स को उसी पुराने लुक में ही लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और हर रोज इन ब्रांड्स की हजारों बाइक सेल हो रही हैं। इस तरह महिंद्रा ने एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से जावा, येजदी और बीएसए के साथ टू व्हीलर इंडस्ट्री में दोबारा से वापसी की है, और जिस तरह की शुरुआत इसको मिली है उसे देखकर तो यही लगता है कि महिंद्रा पीछे मुड़कर देखने नहीं वाली। बाकी आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।